की खरीद हरियाणा में शुरू हो चुकी है। इससे पहले सरसों की खरीद हुई, सरसों की भी पूरी खरीद नहीं हुई, केवल 15% या 20% खरीदा गया। और गेहूं की खरीद में बड़ी समस्या आई हुई है, सुचारू रूप से खरीद नहीं हो रही है, क्योंकि किसान भी परेशान है, आढ़ती भी परेशान है। किसान को तो ये जो अपना ब्यौरा अपनी फसल का है, रजिस्ट्रेशन वाली बात है, कईयों ने नहीं कराई, कईयों के जब चला जाता है मैसेज तो उसकी कटाई भी नहीं हुई होती, तो कई बार कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो भी इससे संतुष्ट नहीं है, आढ़ती भी संतुष्ट नहीं है। और इस अव्यवस्था की वजह से सरसों की भी पूरी खरीद नहीं है उसकी, और गेहूं की जिस स्पीड से खरीद हो रही है इसमें कई महीने लगेंगे, परेशानी का कारण है। तो मैं समझता हूं आज समय है, इस महामारी के समय सबको एक होकर जो किसान और ये की मदद करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी खरीद करनी चाहिए। और यही समस्या देखते हुए मैंने आज सुबह मुख्यमंत्री जी से भी बात की, क्योंकि आज राजनीति करने का समय नहीं है, आज सबको मिलकर लड़ने का समय है। ये समय मैंने की है भाई, इनका समाधान निकालें आप, किसानों से बात करके, आढ़तियों से बात करके, पुराना जो तौर तरीका था उसके तरीके से जल्दी से करें, क्योंकि नए तजुर्बे करने की समय नहीं है आज, क्योंकि आज किसान का मनोबल गिरने से पूरे देश को नुकसान होगा, और किसान का मनोबल हम गिरने नहीं देंगे, उनकी लड़ाई हमारा लड़ना हमारा फर्ज है।